श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उत्तंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। कस्तूरी जो बहुत महंगी होती है, केसर कस्तूरी जो कश्मीर में होती है, या मृग की कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, बहुत खुशबू होती है। बड़ी पुराने आयुर्वेदिक औषधियों में केसर कस्तूरी का बहुत उपयोग होता है। रसायन होती है थोड़ी सी कस्तूरी, ज़रा सा भी आप दूध में चाय में डाल दीजिए, दूर दूर से सुगंध आती है। उसकी नाभि में होती बहुत खुशबू होती है, उसको पता नहीं चलता, वो ढूंढता है कहाँ से आ रही खुशबू। वो भरी दोपहर में जंगल में दीवारों में टक्कर लगाता है, कस्तूरी कहाँ है, कस्तूरी कहाँ है, और किसी शिकारी को पता चलता है और वो दूर से शिकार करता है, मृग को तीर मारता है, कस्तूरी ले लेता है। ऐसा मनुष्य है, कपट करके वार करता है और मृग को मार देता है, कस्तूरी ले लेता है। बड़े बड़े जो जुल्म किए हैं मनुष्य ने किए, पशु जगत में जितने मनुष्य ने जुल्म किए इतने पशुओं ने नहीं किए। यदि पशु को भूख ना हो तो पशु हमला नहीं करता, परंतु मनुष्य भरा पेट भी हो तो जानबूझ के हमला करता है। विचार कीजिए, ऐसे कबीर कहते हैं कि सरल होना चाहिए, साधु सहज समाधि भली। कबीर कहते हैं सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, उठूं बैठूं परिकम्मा, मेरा उठना मेरा बैठना मेरा चलना मेरा सोना सहज हो जाए, अपने स्वभाव में आ जाओ, अपनी रिजुता सरलता शुद्धता पवित्रता आत्मीय रमन में आ जाओ, तो हर श्वास तुम्हारे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। अपने को जानो, अपने को देखो, अपने स्वभाव में रमन करो। हमने शरीर को महत्व दिया, शरीर के साथ इंद्रियों को महत्व दिया, मन को महत्व दिया, बुद्धि को महत्व दिया, विचारों को महत्व दिया, परिवार को महत्व दिया, संगी साथी को महत्व दिया, मित्रों को महत्व दिया। इसलिए सारा संसार ये पर में हम उलझते रहे, पर को छोड़ करके स्वयं में आएंगे तो साधना की शुरुआत हो गई। आगे आगे है उपमा, पशु सा निरीह, साधक कैसा होना चाहिए, पशु देखिए, पशु पशु कैसा हेल्पलेस, निरीह का मतलब बेसहाय, कोई सहारा नहीं उसका। पशु का जन्म होता है, उसको कोई दूध पिलाए ना पिलाए, खाना खिलाए ना खिलाए, रस्सी से बांध दिया जाता है, जब वो पानी पीना चाहे नहीं पी सकता, खाना नहीं खा सकता, तो पशु बेचारा हेल्पलेस होता है, निरीह होता है, बेसहारा होता है। ऐसे ही जो साधक होता है वो सारे सहारे छोड़ दे कि मुझे ऐसा घर मिलेगा, ऐसा परिवार मिलेगा, ऐसा भोजन मिलेगा, ऐसे संगी साथी मिलेंगे, ऐसे संगठन होगा, ता मैं जाके साधना करूँगा। भगवान महावीर कहते हैं जो जीवन में साधना करना चाहता है, जो आत्मा के पथ पर अग्रसर होना चाहता है, वो पशु जैसा निरीह बेसहाय हो जाए। पशु का अपना स्वतंत्रता कुछ नहीं होता। जैसे साधु, यहाँ तो आप हमें बढ़िया बढ़िया माल देते हैं, सेवा करते हैं, एक घर में जाओ 10 घर में जाओ बहुत सेवा करते हो, परंतु कई जगह ऐसा भी होता है कि आहार भी नहीं मिलता और स्थान भी नहीं मिलता। एक बार की बात, हम शिमला की तरफ गए, धर्मशाला की तरफ गए, तो लोग नहीं जानते हमको, हमने कहा कोई जगह नहीं मिली, किसी धर्मशाला में ठहर गए। हमारे साथ बहुत बड़े संत विमल मुनि जी थे, बहुत अच्छे व्याख्याता थे, मुझे कहने लगे शिव मुनि चल हम चलते हैं भोजन के लिए। हम गए
तो हमने कहा भोजन, कहते यहाँ भोजन वजन नहीं मिलता, कहते आटा है आटा ले जाओ भोजन बनाओ और खाओ। हमने कहा पानी नलका लगा हुआ है ना, पानी ले लो और पी लो। हमने कहा ठीक है, ऐसा समय भी होता है। और कई जगह जाते हैं आपसे कमाया नहीं जाता, हट्टे कट्टे हो कमा के खाओ। और ये भी अवसर आना चाहिए जीवन में, जब आप इतनी सुविधा मिलती है तो कभी कभी जीवन में ऐसे प्रसंग भी आते हैं जिससे साधु की परीक्षा होती है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही बढ़िया बढ़िया माल मिले, साधु का है कभी घी घना कभी मुट्ठी चना कभी वो भी नहीं मिलता। तो ये साधु का मार्ग है। तो हमने देखा जब परिचय हो जाता है, जैसे आप लोगों से परिचय है तो आपने सारे घर खोल दिए, सूरत से आ गए बम्बे से आ गए, सारे घर खोल दिए, सारे चौके लगा दिए, बढ़िया बढ़िया माल हमको खिलाते हो, फिर आप खाते हो। पता नहीं आप खाते हैं कि नहीं खाते हमें नहीं पता, पर आप बहुत तन से मन से इस सारे राजस्थान के प्रांतों में बहुत श्रद्धा भक्ति का भाव है। तो आपकी भावना सुंदर है, मैं यही कहता हूँ कि अपनी भावना भाते रहिए, जैसा समय होगा जो संयोग होगा उसके अनुसार हम चर्चा करते रहेंगे आपसे। तो अगली पशु सानेरी, पशु बहुत हेल्पलेस होता है, साधक को भी अपना अहंकार नहीं रखना चाहिए। यदि भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक कोई स्थान नहीं बनाया, कोई घर कोई शिष्य कोई परंपरा कोई संप्रदाय कोई संगठन कोई शिष्य भी नहीं बनाया, केवल ज्ञान होने के बाद गंधर्व गौतम वो भी अहंकार बन के आए थे कि कौन है मेरे यज्ञ को खंडित कर रहा है, देव उधर जा रहे हैं। तो भगवान ने उनसे पूछा, गौतम नाम पूछा, तो गौतम कहता मेरा नाम तो जानते होंगे, इतना प्रसिद्ध विद्वान पंडित, यज्ञ का बहुत बड़ा यज्ञ होते थे और गौतम को बुलाया जाता था, बहुत आदर था, उनके 500 शिष्य थे, उस समय यज्ञ का था वेद पाठों का था। तो भगवान ने जब नाम लिया तो वो कहने लगे मेरा नाम जानते होंगे। फिर भगवान ने कहा गौतम तुम्हें आत्मा पर शंका है, आत्मा सत्य है नित्य है अटल है अजर है अविनाशी है सत्चित्तानंद है। जब गौतम ने अपने हृदय की बात सुनी कि ये तो किसी को पता ही नहीं था कि मुझे मेरे मन में शंका है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मेरे मन की बात बता दे, तो गौतम ने भी सोच रखा था कि जो मेरा शंका का समाधान कर दे मैं शिष्य बन जाऊंगा। भगवान ने शंका का समाधान किया, गंधर्व गौतम झुक गए भगवान के आगे, अपने 500 शिष्यों के साथ झुक गए, 11 गंधर्व बने भगवान के, और गौतम भगवान के साथ सारा जीवन एक शिष्य के रूप में रहे। ऐसा समर्पण जो गौतम का था देखने को नहीं मिलता, और गौतम जीवन भर भगवान के साथ रहे। और जो जो शास्त्र हैं जो प्रश्न पूछे गंधर्व गौतम ने, वो अपने लिए नहीं सबके लिए पूछे, जो जो भगवान की वाणी हमारे सामने आती है। इसलिए आप सोचें विचार करें अपने जीवन के बारे में, समझें कि जीवन को हम सरल बनाएं रिजु बनाएं। जो उपमाएं जो दी हैं उपमाएं एकांगी होती हैं, अब देखी जाए शेर तो अकर्म भी करता है, हिंसा करता है, चपट भी मारता है, खा भी जाता है, भेड़ बकरियों को खा जाता है, परंतु शेर का पराक्रम लिया है। ये पराक्रम सीखना हो तो शेर से सीखो। ऐसे महावीर ने सारी साधना पराक्रम के बल पर था, किसी का कोई सहारा नहीं, हाथी में सब ईमान था और वृक्ष में भद्रता थी सरलता थी, और जो मृग है निर्दोष है सरल है रिजु है भद्र है, पशु है वो निरीह है हेल्पलेसनेस है। आप देखते हैं पशुओं को, राजा महाराजा जंगल में जाते हैं शिकार करते हैं, और कभी जाके देखो राजा महाराजा को, वो शिकार करके बड़ा जश्न मनाते हैं, शेर को मारा और हिरण को मारा, और मार करके खाल उतार करके भर करके अपने महलों में रखते हैं। और मारा कैसे कैसे मारा, शिकारी कुत्ते साथ ले जाते हैं, बंदूक साथ ले जाते हैं, तलवारें साथ ले जाते हैं, बेचारा अकेला हिरण
अकेला शेर, उनके पास कुछ भी नहीं होता। और क्या कहते हैं, अखेट, मज़े के लिए, शिकार करने के लिए। अरे भाई, शिकार करना है तो बराबर का उसको मुकाबला तो करो, उसको भी बंदूक दो, शेर को बंदूक दो, शेर को तलवार दो, और अकेले लड़ो, फिर पता लगता है कौन जीतता है कौन हारता है। और वो मनुष्य कैसा अजीब प्राणी है कि शिकारी कुत्ते पहले लगा देता है, उसको पकड़ लेते हैं, चारों तरफ घेर लेते हैं, फिर बंदूक से, फिर वो उसको शिकार करते हैं, फिर कहते हैं हमने शेर को मारा। काहे का मारा? बेचारा निहत्था शेर या मृग पीछे लगा देते हैं, उसको मार देते हैं। मार करके राजा महाराजा जश्न मनाते हैं कि हमने इतने शेर मारे, इतने मृग मारे। ऐसे राजे महाराजा जो मार करके जश्न मनाते हैं और अपने राज दरबार में लगाते हैं, वो मर करके नरक में जाते हैं। पंचेंद्रिय का वध करना, उतना अहंकार करना, फिर वो अपने राज महलों में बताना कि हमने इतने शेर मारे। गति तो उनकी भी, जब वो जब प्राणी मरता है तो कितना उनको पीड़ा होती। ऐसे यदि किसी वक्त हिंसा हो भी जाए, उसका प्रायश्चित करना। राजा श्री ने जब भगवान महावीर के पास नहीं आए थे, संकट नहीं मिली थी, धर्म नहीं मिला था, शिकारी थे, एक शिकार चलाया, मृगनी गर्भवती थी और उसके पेट में लगा, और उसने तीर चलाया, तीर वृक्ष में लगा, हिरनी के पेट में लगा, पेट में बच्चे में लगा, तो हिरनी घायल हो गई, बच्चा घायल हो गया, पेड़ से निकला, पेड़ से निकला। शेरनी को अहंकार आया, तीन मेरा एक तीर तीन को मार गया, वो जो अहंकार किया था, नरक का बंद पड़ा। बाद में राजा श्रेणी को समकत मिली, धर्म मिला, तीर्थंकर बनेगा, परंतु वो बंद छूटा नहीं। इसलिए बचपन में यदि आपके द्वारा किसी प्राणी की हत्या हो जाए, जाने अनजाने, तो क्या करना, अपने गुरुदेव के पास आकर के प्रायश्चित करना। कई बार तुम गाड़ी में जाते हो, आगे कुत्ता आ जाता है, मर जाता है, बिल्ली आ जाती है, मर जाती है, तो कोई प्राणी मर जाए तो उसके लिए प्रायश्चित करना। अहंकार मत करना कि हमने उसको मारा। तो पुराने ज़माने में हमारे सप्त वसन में शिकार खेलना, जुआ खेलना, प्राणी वध करना, ये पापकारी कार्य है, नरक का बंद होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अपने जीवन में विचार करना, सरल बनो, ऋजु बनो, अपने जीवन का निर्णय रखो। कुछ उपमाएँ आगे हैं, वो कल चर्चा करेंगे। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, तुम केवल 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 आत्मा। शरीर और आत्मा दो भिन्न तत्व हैं, भिन्नता का एहसास कीजिए। देह में पांचों इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि, हृदय की धड़कन, आते जाते श्वास, ये शरीर का भाग है, इसमें आत्मा निवास करती है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक वो तुम आत्मा, अजर अमर अविनाशी, सत चित्त अनंत रूपी आत्मा है। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है, जानू और देखो, जानू और देखो। धीरे धीरे विचार शांत होंगे,
केवल आते जाते श्वास को जानो और देखो। श्वास धीमी हो जाएगी, विचार शांत हो जाएंगे, किसी विचार को पकड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, सहज स्वाभाविक गति से बहने दो, अपने में स्थिर हो जाओ, अपने में डूब जाओ, एक आत्म तत्व, बस यही तुम हो, यही तुम्हारा सत्य है, इसी में श्रद्धा रखो, इसमें परिपूर्णता को प्राप्त करना है। अनादिकाल से जीवात्मा मिथ्यात्व में है, कारण हमने शरीर को महत्व दिया, मिथ्यात्व में चले गए, देह के सुखों के लिए दौड़ लगाते रहे, इंद्रियों के विषयों में सुख ढूंढते रहे। सच्चा सुख भीतर है, वो प्रवाह बह रहा है, जब तक मिथ्यात्व है, मोह है, तब तक सुख नहीं मिलेगा, अपने भीतर ढूंढो। और भीतर चले जाएं, गहरे गहरे डूब जाएं। एक शरण है धर्म की, और शरण नहीं को, एक शरण है धर्म की, और शरण नहीं को, सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो, तेरा मंगल, जन जन मंगल, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोए सब सावनंग, धम्म मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तवो देवावितंग, नमंग संति जस धम्मे श्यामनो, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुःखहरं।